मैं इस वक्त जिस सड़क के पास खड़ा हूँ वो जर्मनी का एक नेशनल हाईवे है जो बॉन से चलकर कोलोन और फ्रैंकफर्ट और हैमबर्ग भी जाता है, और यही सड़क जो है वो नीदरलैंड्स और बेल्जियम भी चली जाती है। यूरोपीय देशों में आमतौर पर नेशनल हाईवेज पर साइकिल, पैदल और धीमी रफ्तार की गाड़ियाँ नहीं चल सकती। जर्मनी के कुछ ऑटोबान यानी नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ कितनी भी तेज़ रफ्तार से तो ज़रूर चल सकती हैं, लेकिन उनका मिनिमम स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा ज़रूर होना चाहिए। इस सड़क पर एक चीज़ बहुत ही ख़ास है देखने वाली कि यहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो एहतियात रखती हैं कि वो अपने नियम कायदों को फॉलो करें और अपने लेन में चलाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। हाईवे से अलग ये शहर के अंदर की सड़क है, यहाँ बड़ी छोटी सभी तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। इन्हीं सड़कों के बीच सिटी ट्रैम्स की लाइनें भी मौजूद हैं। सड़क की दूसरी तरफ पैदल चलने वालों और साइकिलों के लिए अलग जगह निर्धारित होती है जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती। लेन ड्राइविंग शहर के अंदर भी फॉलो की जाती है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उनके लाइसेंस तक जब्त किए जा सकते हैं। तो ट्रैफिक में सुधार करने के लिए बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ऑड और इवन नंबर वाली गाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी है कि गाड़ियों का प्रबंधन कैसे किया जाए। जैसे कि इस रोड पर भी देखिए, कोई साइकिल नहीं चल रही है, कोई पैदल नहीं चल रहा है, बल्कि सारी गाड़ियाँ एक नियम से, एक निश्चित स्पीड से बढ़ी चली जा रही हैं।